संवाददाता मोहम्मद इम्तियाज आलम की रिपोर्ट। सहरसा के सर्वांगीण विकास को लेकर MSU के द्वारा निकालेंगे 7 दिवसीय जनसंवाद यात्रा। मिथिला स्टूडेंट यूनियन सहरसा इकाई द्वारा 12 सूत्री मांग को लेकर 17 जनवरी से शहर के शंकर चौक से जनसंवाद यात्रा निकाली जाएगी, जो आगामी 23 जनवरी तक चलेगी। वहीं इस कार्यक्रम की जानकारी मीडिया को देते हुए जिला अध्यक्ष टीकू मैथिल ने बताया कि जनसंवाद यात्रा सहरसा के विकास के लिए सहरसा पूरे जिले में चलाया जाएगा। वहीं समाज सेवी कौशल क्रांतिकारी ने अपने 12 सूत्री मांगों को लेकर बताया कि सहरसा के विकास के लिए मिथिला स्टूडेंट यूनियन निरंतर संघर्ष करती रही है। हमारी मांगे जो कि सहरसा में एम्स, सहरसा लोकसभा क्षेत्र, एयरपोर्ट, बीजी मार्केट में शौचालय, कैंसर अस्पताल, चौक चौराहे पर CCTV, जल जमाव से मुक्ति, ओवर ब्रिज, मंडल मिश्र केंद्रीय विश्वविद्यालय, पेपर मिल, जो सहरसा की मूलभूत आवश्यकता है, इसी मुद्दे को लेकर 7 दिवसीय पद यात्रा निकलेगी। और इस कार्यक्रम में उपस्थित संगठन के अभिभावक साथ ही समाज सेवी मेयर प्रत्याशी अभिषेक कुमार वर्मा ने कहा, सहरसा को स्मार्ट सिटी में शामिल करना जनसंवाद पद यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। ये पद यात्रा निकाला जा रहा है, क्यों निकाला जा रहा है और किस लिए ये कार्यक्रम का आयोजन आप लोग रखे? देखिए, सहरसा का जो जन्म हुआ वो 1 अप्रैल 1954 को हुआ और संभवतः 1 अप्रैल 1954 1 अप्रैल यानी मूर्खता दिवस है, वो उस दिन मूर्ख दिवस हम लोग मनाते हैं और एक दूसरे को ठगने का काम करते हैं। तो इसी तरह यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है और जो सिस्टम है वो यहाँ की जनता को ठगने का काम किया है। वो चाहे ओवर ब्रिज हो, एम्स हो, या कैंसर अस्पताल हो, या रिहेबिलिटेशन सेंटर हो, या आप 400 वाट की सड़क व्यवस्था, नाला व्यवस्था, ये सब देख लीजिए। सहरसा से टूट कर 2 जिला बना, सहरसा और सुपौल। वहाँ मेडिकल कॉलेज है, सुपौल में मेडिकल कॉलेज है, मधेपुरा में मेडिकल कॉलेज है, लेकिन आज सहरसा का ये हालत क्यों? अगर एक माँ के कोख से 2 भाई अलग होता है, दोनों को अधिकार मिलता है, तो माँ को क्यों छोड़ दिया जाता है? ये मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के जनप्रतिनिधि से, आखिर ऐसा क्यों? तो हम लोगों ने डिसाइड किया क्यों ना एक पदयात्रा निकाला जाए और यहाँ की जनता को उस मुद्दे से रूबरू कराया जाए और जहाँ भी जनप्रतिनिधि टकराए उनसे सवाल करे कि ये जो MSU का 12 सूत्री मांग है, इस पर आपने कभी कोई काम किया क्यों नहीं, क्यों नहीं किया? और इसी मुद्दे के साथ और 23 तारीख को, यानी 23 तारीख को हम लोग DM साहब के साथ मीटिंग कर इस आवेदन को सरकार तक पहुँचाएगा। 12 सूत्री मांग में क्या क्या मांग इसमें रखा गया है? 12 सूत्री मांग में आपको है, कोसी कमिश्नरी का मुख्यालय होने के बावजूद सहरसा लोकसभा क्षेत्र क्यों नहीं? बिहार सरकार को सबसे पहले जमीन का पेपर भेजने के बाद एप्स निर्माण क्यों नहीं हुआ? सहरसा कैंसर जैसे भयानक बीमारी का केंद्र बन चुका है, एक रिहेबिलिटेशन चिकित्सा केंद्र क्यों नहीं हुआ? चौथा है, सहरसा से अलग हुए सुपौल मधेपुरा को मेडिकल कॉलेज है, सहरसा में क्यों नहीं? सहरसा में पेपर मिल बंद है, चालू क्यों नहीं है अभी तक? जबकि विधानसभा हो, चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, हर जनप्रतिनिधि का यही मुद्दा बनता है। पूरे सहरसा जिला के 4600 वार्ड का पदयात्रा के माध्यम से भ्रमण किया जा रहा है, ये किस मुद्दे को लेकर के पदयात्रा निकाली जा रही है, क्या उद्देश्य है? सबसे पहले तो मैं MSU के जिला इकाई के सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, इन्होंने सब मिल के ये पदयात्रा जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है जो सहरसा के विकास में जो बाधा है, सहरसा के विकास में जो समस्या है, उन समस्याओं को जनमानस तक पहुँचाकर और उनको उससे अवगत कराकर और उसको चेतना जगाकर, और हम ये संदेश पूरे शहरवासियों से लेते हुए पूरे राज्यवासियों को और मुख्यमंत्री तक और प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं, जो सहरसा का मेन समस्या है, इसी के लिए ये पदयात्रा निकाला जा रहा है। आगामी कितनी तारीख को ये पदयात्रा निकाली जाएगी? 17 तारीख से कल से ये कार्यक्रम स्टार्ट है और 23 तारीख तक चलेगा और पूरा शहर में पदयात्रा निकाल के जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक ज्ञापन होंगे। और कहाँ से कहाँ तक? पूरे सहरसा 4600 वार्डों का। क्या नाम हुआ? टिंकू मैथिल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।